मैं दीपक शर्मा आपके अपने YouTube चैनल दीपक साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, इससे पहले वाली क्लास में हमने बात की थी कि परमाणु के बारे में बेसिक बात जानकारी की थी कि परमाणु के बारे में बच्चों सबसे पहले भारतीय दार्शनिक महर्षि कनार ने बताया था कि परमाणु क्या होता है, कि अगर हम द्रव्य का या पदार्थ का लगातार विभाजन करते जाएं तो अंत में हमें एक ऐसा सूक्ष्मतम कण प्राप्त होगा जिसे हम आगे और विभाजित नहीं कर सकते। और बच्चों सूक्ष्मतम अविभाज्य कण को ही महर्षि कनार ने क्या नाम दिया था बच्चों, परमाणु नाम दिया था। उसके बाद में बच्चों एक और भारतीय दार्शनिक आए जिनका नाम था पकुदा कात्यायन। उन्होंने क्या कहा कि जो परमाणु होते हैं वो पदार्थ के संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, मतलब परमाणु होते हैं वो संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, इसलिए पदार्थ अलग अलग प्रकार के होते हैं। ठीक है, उसके बाद में दो ग्रीक दार्शनिक और थे, डेमोक्रिटस और लियोसिपस। उन्होंने भी परमाणु के बारे में वही बात बताई जो किसने बताई थी बच्चों, भारतीय दार्शनिक महर्षि कनार ने। ठीक है बच्चों, और लगभग 2500-2600 साल गुजर जाने के बाद भी परमाणु की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन बच्चों एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम है जॉन डाल्टन, और बच्चों जॉन डाल्टन ने 18वीं सदी के प्रारंभ में लगभग सन 1808 में परमाणु के बारे में एक सिद्धांत दिया, और जिसे बच्चों क्या कहा जाता है, जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहा जाता है। और बच्चों जॉन डाल्टन ने अपना यह परमाणु सिद्धांत कब दिया था, सन 1808 में दिया था। कब दिया था, सन 1808 में दिया था। अब बच्चों ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर जॉन डाल्टन ने ही परमाणु के बारे में बताया था, इसलिए बच्चों परमाणु का खोज का श्रेय है वो भारतीय दार्शनिक महर्षि कनार को न देकर के किन्हें दिया जाता है, जॉन डाल्टन को दिया जाता है। क्लियर ये बात। अब ध्यान से समझिएगा बच्चों कि जॉन डाल्टन ने जो अपना परमाणु सिद्धांत दिया था, उस परमाणु सिद्धांत का मुख्य आधार क्या था, मुख्य आधार क्या था। तो बच्चों जॉन डाल्टन ने अपने परमाणु सिद्धांत का मुख्य आधार है वो दो नियमों को बनाया था। वो बच्चों वो दो नियम कौन कौन से हैं? एक नियम आता है हमारे पास में द्रव्यमान संरक्षण का नियम। कौन सा नियम बच्चों, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है बच्चों, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। एक तो बच्चों जब जॉन डाल्टन ने अपना परमाणु सिद्धांत दिया बच्चों, तब जॉन डाल्टन ने एक नियम को आधार बनाया, जिनमें से एक नियम था बच्चों द्रव्यमान संरक्षण नियम। और बच्चों याद रखना, द्रव्यमान संरक्षण नियम है वो किसने दिया था, लेवोसिए नामक वैज्ञानिक ने दिया था। किसने दिया था बच्चों, लेवोसिए नामक वैज्ञानिक ने दिया था। और बच्चों कब दिया था, सन 1789 में। और बच्चों याद रखना, लेवोसिए है, लेवोसिए को बच्चों रसायन विज्ञान का क्या कहा जाता है, पिता भी कहा जाता है। जिन्होंने कौन सा नियम दिया था, द्रव्यमान संरक्षण का बच्चों क्या दिया था, नियम दिया था। और इस नियम को ही जॉन डाल्टन ने क्या बनाया था, अपने परमाणु सिद्धांत का क्या बनाया था बच्चों, आधार बनाया था। एक और बच्चों एक और नियम था जिसे जॉन डाल्टन ने अपने परमाणु सिद्धांत का आधार बनाया, वो कौन सा नियम था बच्चों, स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम। स्थिर या निश्चित अनुपात का, निश्चित या स्थिर अनुपात का नियम, अनुपात का नियम। बच्चों यह नियम है वह किसने दिया था, जोसेफ लुईस प्राउट ने यह नियम दिया था सन 1799 में। तो बच्चों ध्यान से समझिएगा, यह नियम किसने दिया था, जोसेफ लुईस प्राउस्ट ने।
किसने दिया था? जोसेफ लुईस प्राउस्ट ने। और बच्चों कब दिया था? सन 1799 में यह नियम दिया था। और बच्चों याद रखिएगा कि स्थिर या निश्चित अनुपात का जो नियम है वह जोसेफ लुईस प्राउस्ट ने दिया था। और बच्चों द्रव्यमान संरक्षण नियम और स्थिर अनुपात का जो नियम है इसी को ही बच्चों जॉन डाल्टन ने अपने परमाणु सिद्धांत का क्या बनाया था बच्चों? आधार बनाया था। अब ध्यान से समझिएगा बच्चों क्या है समझने वाली बात। बच्चों समझने वाली बात अब ये है हमारे पास में कि जो जॉन डाल्टन ने जो अपना ये परमाणु सिद्धांत दिया था वह बच्चों किसमें दिया था? एक इन्होंने एक बुक का प्रकाशन किया था, ए न्यू सिस्टम ऑफ ए केमिकल फिलोसफी। क्या था बच्चों? ए न्यू सिस्टम ऑफ ए यह सिद्धांत ए न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल। बच्चों ध्यान से समझिएगा, जॉन डाल्टन ने अपना जो परमाणु सिद्धांत दिया था वह परमाणु सिद्धांत बच्चों एक अपना एक रिसर्च पेपर इन्होंने जो प्रस्तावित किया था, मतलब प्रकाशित किया था। और बच्चों उस पेपर के अंदर है इन्होंने परमाणु के बारे में ये कुछ बातें बताई। और बच्चों ये बातें हैं, ये बिंदु हैं, ये पॉइंट है बच्चों, उन्हें क्या कहा गया? जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहा गया। क्या कहा गया? जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहा गया। ये बात आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो वो पेपर था ए न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल, ए न्यू सिस्टम ऑफ क्या था बच्चों? केमिकल फिलोसफी। क्या था बच्चों? फिलोसफी, याद रखिएगा, ठीक है ना? तो याद रखना यह सिद्धांत ए न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलोसफी में क्या हुआ बच्चों? प्रकाशित हुआ। क्या हुआ? प्रकाशित हुआ। ये बात यह प्रकाशित किया, यह सिद्धांत जॉन डाल्टन ने ए न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलोसफी में प्रकाशित हुआ या प्रकाशित किया, ठीक है बच्चों? ये बात ध्यान से समझिएगा। अब बच्चों जॉन डाल्टन है, जॉन डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है उस परमाणु सिद्धांत के मुख्य बिंदु क्या है, उन बिंदुओं के आधार पर हम जानेंगे कि जॉन डाल्टन ने परमाणु के बारे में क्या बताया, ठीक है बच्चों? अब एक एक बिंदु बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों यह इस सिद्धांत के आप यहां से नोट्स भी उतारते रहिए साथ में, ठीक है? इस सिद्धांत के मुख्य बिंदु निम्न है। क्या है बच्चों? निम्न है। अब ये बिंदु हमारे पास में बच्चों क्या क्या है अब ध्यान से समझिएगा। जॉन डाल्टन ने परमाणु के बारे में क्या कहा बच्चों? जॉन डाल्टन ने परमाणु के बारे में वही बात बताई जो किसने बताई थी? महर्षि कर्नाड ने बताई थी। क्या बातें बताई बच्चों? इन्होंने क्या बताया कि जो सभी द्रव्य होते हैं, सभी द्रव्य, द्रव्य का मतलब बच्चों पदार्थ, सभी पदार्थ छोटे छोटे, सभी पदार्थ जो सभी द्रव्य होते हैं वे छोटे छोटे सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बने होते हैं। छोटे छोटे सूक्ष्मतम कणों से मिलकर या संयोजित होकर बने होते हैं जिन्हें जॉन डाल्टन ने क्या कहा? जिन्हें परमाणु कहा गया। क्या कहा? जिन्हें परमाणु कहा गया। जॉन डाल्टन ने क्या बताया कि जो पदार्थ होते हैं, जो द्रव्य होता है उसका जो निर्माण होता है वह बहुत छोटे छोटे सूक्ष्मतम कणों से होता है। और बच्चों जॉन डाल्टन ने उन छोटे छोटे सूक्ष्मतम कणों को ही क्या नाम दिया बच्चों? एटम नाम दिया, परमाणु नाम दिया। और जॉन डाल्टन ने साथ में ये भी बताया कि ये जो परमाणु होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों? अविभाज्य होते हैं। क्या बताया? ये परमाणु क्या होते हैं बच्चों? अविभाज्य होते हैं। अब आप भी देख रहे हो, आप भी सोच रहे हैं
कि सर ये बातें तो हमारे भारतीय दार्शनिक महर्षि कनार ने ईसा के लगभग 600 वर्ष पहले, ईसा मसीह के जन्म से 600 वर्ष पहले ही यह बात बता दी थी कि कोई भी द्रव्य होता है उसका अगर हम लगातार विभाजन करते जाएं, लगातार विभाजन करते जाएं, तो अंत में हमें एक ऐसा सूक्ष्मतम कण प्राप्त होगा जिसे हम आगे और विभाजित नहीं कर सकते। और बच्चों जब हम उसे आगे और विभाजित नहीं कर सकते तो उसे हम क्या कह सकते हैं, अविभाज्य कह सकते हैं। तो बच्चों उस छोटे से जो सूक्ष्मतम कण प्राप्त हुआ था अंत में हमें, उसको हम क्या कैसे कह सकते हैं, सूक्ष्मतम अविभाज्य कण कह सकते हैं। और बच्चों उस सूक्ष्मतम अविभाज्य कण को ही क्या कहा गया था, परमाणु कहा गया था। और वही बातें जॉन डाल्टन ने हमको बताई, ठीक है। मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जॉन डाल्टन को हमारे भारतीय दार्शनिक महर्षि कनार्ड का वो वैशेषिक ग्रंथ है हाथ लग गया होगा, तभी इन्होंने लगभग 2022 या फिर मैं कहूं 2200 वर्ष बाद में, या फिर मैं कहूं आप लगा लो 600 से या 2020 मतलब 2600 वर्ष बाद, 1800 सॉरी, तो लगभग 2400 वर्ष बाद इन्होंने वही बातें बता दी कि जो किसने बताई थी, भारतीय दार्शनिक महर्षि कनार्ड ने बताई थी। क्लियर बच्चों? तो मुझे तो यही लगा कि कहीं ना कहीं वैसे से ग्रंथ है जॉन डाल्टन के हाथ लग गया होगा और इन्होंने नकल मार दी। ये भी बहुत टीपू सुल्तान थे, ठीक है ना, ये बहुत टीपू, एक नंबर टीपू था ये भी, ठीक है ना। इसने कहीं ना कहीं नकल मारी है। आपको पता है कि जो नकल करते हैं वो बच्चों ज्यादा दिन टिकते नहीं है। इन्होंने भी क्या बताया कि जो एटम होता है वो क्या होता है, अविभाज्य होता है। ये नकल कर ली किसने, जॉन डाल्टन ने, किसकी, महर्षि कनार्ड की। तो बच्चों आपको पता है नकल करने वाला ज्यादा दिन टिकता नहीं है। और जैसे ही 18वीं सदी के अंत में सन 1897 में एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था जे.जे. थॉमसन, या काफी बुकों में आपने सुना होगा थॉमसन। बच्चों ये थॉमसन और टॉमसन है ये एक ही आदमी, ठीक है ना। ये अंग्रेज हैं तो इनके नाम ऐसे ही हैं, थॉमसन टॉमसन, ठीक है ना। अपने नाम तो बिल्कुल सिंपल है, काया दौड़िया, ठीक है। तो ये बात थोड़ा विशेष ध्यान रखना, ये एक ही है, इनके एक ही व्यक्ति है जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की। और बच्चों इलेक्ट्रॉन की खोज करने के बाद में जॉन डाल्टन को पूछा गया, पूछेंगे कहां से, जॉन डाल्टन तो स्वर्ग सिधार गए थे, ठीक है ना, इनकी तो मृत्यु हो गई थी 1841 के आसपास। लेकिन देखा गया, पता लग गया कि जॉन डाल्टन तो हवा में लठ उड़ा रहे थे। जॉन डाल्टन ने जो कहा था कि परमाणु क्या होता है, अविभाज्य, वो अविभाज्य नहीं होता है, परमाणु भी क्या हो है, विभाज्य है। उसके अंदर भी क्या मिल गया, इलेक्ट्रॉन कण मिल गया। और बाद में आपको पता है बच्चों वर्तमान में परमाणु के तीन मूल कण है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो बच्चों वर्तमान में परमाणु क्या है, विभाज्य है, अविभाज्य नहीं है, ठीक है। परमाणु तीन मूल कणों में क्या है बच्चों, विभाज्य है। ये बात आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद में जॉन डाल्टन ने क्या कहा कि जो एक ही तत्व होते हैं, एक ही तत्व, या फिर मैं कहूं एक ही तत्व के सभी परमाणु क्या होते हैं, समान। एक ही तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं, समान होते हैं, इसलिए इनके रासायनिक गुणधर्म भी, इसलिए इनके रासायनिक गुणधर्म भी क्या होते हैं बच्चों, समान होते हैं। क्या होते हैं, समान होते हैं। ये बात याद रखना, एक ही तत्व के परमाणु
एक ही जो तत्व है उसके सभी परमाणु क्या होते हैं बच्चों, समान। जब सभी परमाणु समान है इसका मतलब सभी पर, उन्होंने जॉन डाल्टन ने बताया कि एक तत्व के जो सभी परमाणु है वो समान होते हैं, उनका रासायनिक गुणधर्म भी समान होता है, उनका द्रव्यमान भी क्या होता है समान होता है, इसलिए बच्चों इनके रासायनिक गुणधर्म भी क्या होंगे समान होंगे। जब वो सभी परमाणु अगर समान है तो बच्चों उनके रासायनिक गुणधर्म भी क्या होंगे समान होंगे। कैसे, जैसे मैं कहूं ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन का परमाणु है, ये ऑक्सीजन का बच्चों क्या है अणु है। आपको पता है दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर किसका निर्माण करता है, अणु का निर्माण करता है। ये ऑक्सीजन का परमाणु है, अगर आपसे पूछा जाए ये क्या है तो आप क्या बताओगे, आप दो ही बात बताओगे, सर ये ऑक्सीजन का क्या है परमाणु है, या फिर क्या कहोगे सर ये ऑक्सीजन का क्या है प्रतीक कहोगे, ठीक है ना। ऐसे मत बोल देना सर ये जीरो है, अरे मैथमेटिक्स थोड़ी पढ़ रहे हैं, ये जीरो है, यहां बात हो रही है केमिकल की, ये हमारी केमिस्ट्री चल रही है, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये ऑक्सीजन का क्या है बच्चों, परमाणु है, और बच्चों परमाणु होते हैं वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह पाते हैं, इसलिए आपस में संयोजित होकर के आणविक अवस्था में बदल जाते हैं बच्चों। तो याद रखना ये ऑक्सीजन का परमाणु है, और बच्चों ये ऑक्सीजन का क्या है अणु है, मोलिक्यूल है, ठीक है बच्चों, ये बात ध्यान रखना। अब समझिएगा, तो एक ही तत्व के सभी परमाणु क्या है समान, इसलिए इनके रासायनिक गुणधर्म भी क्या है समान। जैसे मैं कहूं ये ऑक्सीजन अणु है, या ऑक्सीजन क्या है गैस है, इस ऑक्सीजन गैस के अंदर ऑक्सीजन परमाणु है। अब मेरे बेटे हो ऑक्सीजन आप है, चाहे दिल्ली से लेके आओ, चाहे जयपुर से लेके आओ, चाहे लद्दाख से लेके आओ, चाहे लंदन से लेके आओ, ऑक्सीजन तो वही रहेगी, उसके सभी परमाणु समान होंगे, इसलिए उसके रासायनिक गुणधर्म भी क्या होंगे समान होंगे, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान से रखिए, कभी ऐसा हो जाए कि लद्दाख वाली ऑक्सीजन है वो तो आपका श्वास लेने में प्रॉब्लम कर दे, ठीक है ना, ऐसा ऐसा नहीं होता है बच्चों, क्योंकि उनके सभी परमाणु समान होते हैं, इसलिए बच्चों उनके केमिकल जो प्रॉपर्टी होती है वो भी क्या होती है सेम होती है, ठीक है, ये बात ध्यान से रखिएगा। उसके बाद में जॉन डाल्टन ने क्या बताया बच्चों, क्या बताया इन्होंने, कहा कि एक ही तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं, इसलिए इनके रासायनिक गुणधर्म भी समान होते हैं, लेकिन बच्चों लेकिन भिन्न भिन्न तत्वों के भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु क्या होते हैं बच्चों, भिन्न भिन्न होते हैं, क्या होते हैं भिन्न भिन्न होते हैं, मतलब अलग अलग होते हैं, इसलिए इसलिए इनके रासायनिक गुण भी क्या होते हैं बच्चों भिन्न भिन्न होते हैं, या रासायनिक गुण भी मैं कहूं अलग अलग होते हैं, क्या होते हैं बच्चों रासायनिक गुण क्या होते हैं अलग अलग होते हैं। ध्यान से समझिएगा बच्चों, एक एक बात ध्यान से समझिएगा कि जो अलग अलग तत्वों के परमाणु है, जैसे मैंने कहा कि एक आपके पास में हाइड्रोजन है, या फिर मैं कहूं एक आपके पास में ऑक्सीजन है, एक आपके पास में नाइट्रोजन है, ध्यान से समझिएगा, यहां पर आपके पास ऑक्सीजन के परमाणु है, यहां पर आपके पास नाइट्रोजन के परमाणु है, ये बच्चों अणु है, ये नाइट्रोजन का अणु है, ये ऑक्सीजन का अणु है। तो बच्चों ऑक्सीजन का जो परमाणु होगा वो अलग होगा, इसका द्रव्यमान अलग होगा, नाइट्रोजन का परमाणु है इसका द्रव्यमान अलग होगा, इसके भौतिक गुण अलग होंगे, इसके रासायनिक या भौतिक गुण अलग होंगे, इसके भौतिक गुण अलग होंगे। अब आप बताओ, जब ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन बच्चों श्वास लेने में काम आ रही है, तो जब श्वास की जरूरत पड़े तो हम नाइट्रोजन क्यों नहीं लेते, नाइट्रोजन ले लें, अगर दोनों के परमाणु समान है तो दोनों के रासायनिक गुणधर्म भी समान होंगे, लेकिन ये तो दोनों परमाणु क्या है अलग अलग, तो बच्चों दोनों परमाणु अलग अलग है, अलग अलग है तो इसके रासायनिक गुण भी अलग अलग होंगे, तो ऑक्सीजन का काम नाइट्रोजन कैसे कर सकेगी, नहीं कर सकेगी, क्योंकि दोनों के परमाणु अलग अलग है, फिर तो हमें केवल एक ही तत्व की आवश्यकता, एक ही तत्व की जरूरत पड़ेगी, क्यों हड्डियों को मजबूत करने के लिए क्यों कैल्शियम ले लेंगे एक ही तरफ, ऑक्सीजन ही ले लेंगे, जो लेते आ रहे हैं चल रहा है काम,
चल जाएगा। समझ रहे हो ना? तो बच्चों ध्यान से समझिएगा, जो अलग अलग तत्वों के परमाणु हैं वो अलग अलग होते हैं, वो सेम नहीं होते हैं। उनका परमाणु भार अलग होता है, द्रव्यमान संख्या अलग होती है, उनमें प्रोटॉन की संख्या अलग होती है, न्यूट्रॉन की संख्या अलग होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या अलग होती है, उनके रासायनिक और भौतिक गुण होते हैं, के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होती है, वो सब डिफरेंट होती है, सब अलग अलग होती है। तो जोय डाल्टन तो एक एक बात देसी की भाव से महंगी बता रहे हैं, ठीक है ना, बहुत मजेदार बात है। लेकिन बात है जोन डाल्टन को बर्बाद कर गई ये बात है कि परमाणु क्या होता है, अगली बाजी होता है। समझ रहे हो ना? चलो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। चलो अब बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट बिंदु के बारे में कि जोन डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत था उसका जो हमारा अगला बिंदु था वो क्या है बच्चों। तो ध्यान से समझिएगा, एक एक बात बच्चों अच्छी तरीके से समझिएगा, हमें बहुत बारीकी से समझना है बच्चों। फिर भी अगर आपके कोई डाउट हो तो कमेंट सेशन में जाइए और वहां जाकर के आप जो भी डाउट हो उसको लिखिए, 100% आपका डाउट बच्चों दूर किया जाएगा, ठीक है बच्चों। तो जोन डाल्टन है उनके जो परमाणु सिद्धांत है बच्चों, उस परमाणु सिद्धांत का अगला बिंदु क्या है, जोन डाल्टन ने क्या कहा। और जोन डाल्टन ने कहा कि जो एक से अधिक तत्वों के जो परमाणु होते हैं वो निश्चित अनुपात में मिलकर के या निश्चित अनुपात में संयोजित होकर के किसका निर्माण करते हैं बच्चों, यौगिक का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? यौगिक का निर्माण करते हैं। ध्यान से समझिएगा कि जो अगला बिंदु है पांचवा बिंदु वो क्या था, जोन डाल्टन ने क्या बताया। जोन डाल्टन ने बताया कि एक से अधिक तत्वों के परमाणु, एक से अधिक तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में, एक निश्चित अनुपात में, एक निश्चित अनुपात में संयोजित होकर या मिलकर संयोजित होकर क्या बनाते हैं बच्चों, यौगिक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? यौगिक बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं। ध्यान से समझिएगा, जोन डाल्टन ने क्या कहा, एक से अधिक तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में संयोजित होकर के बच्चों क्या बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं, ठीक है ना। ये बात आप ध्यान से समझिएगा बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि यौगिक का निर्माण, यौगिक का निर्माण बच्चों कैसे होता है, दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु आपस में मिलकर के, आपस में मिलकर के, वो मिलेंगे से एक निश्चित अनुपात में, एक निश्चित अनुपात में मिलकर के ही यौगिक बनेगा, ठीक है ना। याद रखना, अगर हम दो पदार्थों को मिला रहे हैं अगर उनका अनुपात निश्चित नहीं है तो जो बनेगा वो क्या बनेगा, मिश्रण है बच्चों। मिश्रण में दो या दो से अधिक घटकों से बनता है, लेकिन याद रखना बच्चों मिश्रण जब हम बनाते हैं तो उसमें जो मिश्रण जिस घटकों से बनाते हैं उन घटकों का अनुपात निश्चित नहीं होता है, ठीक है ना। ये बात ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। जैसे हम मिक्स दाल लेके आ रहे हैं तो मिक्स दाल में उसने उड़द की कम मिला दी, चना की ज्यादा मिला दी, ठीक है ना, मूंग की थोड़ी बीच मीडियम साइज, कैसे भी चेंज कर दे आपको, टोटल करके आपको 500 ग्राम देनी है, कम ज्यादा कैसे भी कर दे, जो महंगी वो कम डाल देगा, ठीक है ना, तभी तो कुछ बचेगा दुकानदार की, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखना, मिश्रण में जो घटक होते हैं जिनको मिलाया जाता है उसका अनुपात निश्चित नहीं होता है, लेकिन कोई भी यौगिक का जब निर्माण होता है तो उसमें जिन दो या दो से अधिक तत्वों को मिलाया जा रहा है बच्चों उनका अनुपात क्या होता है, एक निश्चित अनुपात होता है। ये बात ध्यान से रखना, एक से अधिक तत्वों को, यह बात ध्यान रखना, एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो किसका निर्माण होता है, यौगिक का निर्माण होता है। जोन डाल्टन ने एक एक बात देसी की भाव से भी महंगी बताई है, ठीक है ना, जो हमारी लाइफ में बहुत काम में आने वाली है, ध्यान से समझिएगा बस आप तो, ठीक है। अब देखो, जैसे मैं एग्जांपल के लिए अगर आपसे बात करूं, जैसे जल है, जल है, ध्यान से समझिएगा बच्चों, जल, जल नील ने सॉरी जल जिसे हम पानी कहते हैं, ठीक है ना, याद रखना इसका सूत्र क्या है हमारे पास में, H2O।
बच्चों अगर मैं यहां पर बात करूं H2O का जो निर्माण होता है वो कैसे होता है, ध्यान से समझिएगा। यहां पर हाइड्रोजन का परमाणु है, कितने परमाणु है बच्चों, दो हाइड्रोजन के परमाणु हो गए, ठीक है ना। अगर इसके अंदर मैं बात करूं, ठीक है, या फिर मैं कहूं इसका निर्माण H2+O2, और बच्चों H2O बैलेंस करने के लिए यहां पर ऑक्सीजन दो है, यहां मैंने दो लगा दिया, ऑक्सीजन दो है, ठीक है ना, लेकिन हाइड्रोजन दो दूरी चार, यहां पर मैंने दो कर दी। तो बच्चों इसके कितने मोल लिए, दो मोल, तो इसके कितना मोल, वन मोल, तब जाकर के हमारे पास में कितना मोल H2O बना, दो मोल बना। तो वही बात है, एक मोल बनाने के लिए इसको एक लेंगे, इसको हाफ कर देंगे, ये तो संख्यात्मक रूप से अनुपात है, ठीक है। लेकिन बच्चों एक और बात ध्यान से समझिएगा कि जो हमारे पास में जल होता है इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है, जो अनुपात होता है, जो द्रव्यमान का जो अनुपात होता है वो निश्चित होता है। चाहे आप जल कहीं से प्राप्त करो, चाहे आप कुएं से लाओ, चाहे आप बावड़ी से लाओ, चाहे आप जोड़ से लाओ, चाहे आप नदी से ले आओ, चाहे आप लद्दाख से लाओ, ठीक है ना। जो जल है उस जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो हमारे पास में जो द्रव्यमान का अनुपात है वो बच्चों कितना होगा, वो याद रखना 1:8 होगा। आप कहोगे कैसे, क्योंकि बच्चों हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो एक होता है, द्रव्यमान संख्या भी कितनी होती है, एक होती है। याद रखना बच्चों हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक भी एक है, द्रव्यमान संख्या भी एक है, परमाणु क्रमांक एक है, इसका मतलब है प्रोटॉन की संख्या भी कितनी है, एक है। क्योंकि परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं, किसी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या को हम क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक। सीधी सी बात है, परमाणु क्रमांक जेड किसके बराबर होता है, प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है, ठीक है ना। और इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी है, एक। और बच्चों याद रखना एक मात्र तत्व है हाइड्रोजन, एक मात्र ऐसा तत्व है जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या जीरो है, कितनी है, जीरो है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। तो देखो यहां पर दो हाइड्रोजन है तो दो हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा, दो द्रव्यमान संख्या। ऑक्सीजन है बच्चों, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना है, 8, द्रव्यमान संख्या कितनी, 16, तो 2:16। और बच्चों यहां पर क्या हो गया, 1:8। चाहे आप लंदन से लेके आओ, चाहे आप लद्दाख से लेके आओ, वाटर में, जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान का अनुपात होगा वो 1:8 क्या होगा बच्चों, 8 ही होगा। चाहे आप जल को किसी भी स्रोत से क्यों ना प्राप्त करें, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। उसके बाद में बच्चों नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास में, छठवां पॉइंट, वो क्या आता है ध्यान से समझिएगा। छठवां पॉइंट क्या है, बड़ा ही काम का है। जिस प्रकार से मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, कोशिका होती है, कोशिका होती है, उसी प्रकार से जिस प्रकार से मानव शरीर की सबसे छोटे मूल इकाई कोशिका होती है, उसी प्रकार से मेरे बच्चों द्रव्य या पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, क्या होती है बच्चों, परमाणु होती है, क्या होती है, परमाणु होती है। और बच्चों एक समान प्रकार की कोशिका मिलकर किसका निर्माण करती है, उत्तक का। और बच्चों दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, अणु का निर्माण करते हैं। अगर अणु के अंदर दोनों परमाणु अगर समान है, एक ही प्रकार के परमाणु अणु है, वह परमाणु है, तो बच्चों हम उसे सम अणु बोलते हैं, सम अणु बोलते हैं। और अगर परमाणु अलग अलग है, अलग अलग तत्वों के परमाणु है, तो बच्चों हम उसे विषम अणु कहते हैं। तो समझने वाली बात यह है, जिस प्रकार से मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका है बच्चों, उसी प्रकार से द्रव्य की सबसे छोटी और मूल इकाई क्या है, द्रव्य की सबसे छोटी, द्रव्य की सबसे छोटी मूल इकाई, मूल इकाई क्या है बच्चों, परमाणु है, क्या है, परमाणु है। एक इंपॉर्टेंट बात है, बहुत अच्छी बात है कि द्रव्य की सबसे छोटी मूल इकाई बच्चों कौन सी है, तो क्या बात बताओगे, परमाणु होती है, क्या होती है, परमाणु। दूसरी बात बच्चों बहुत अच्छी बात बताइए कि जॉन डाल्टन ने क्या कहा, कि जो रासायनिक अभिक्रिया होते हैं उन रासायनिक अभिक्रिया के अंदर
कौन भाग लेते हैं बच्चों? परमाणु भाग लेते हैं। बहुत ही अच्छी बात बताई कि परमाणु ही रासायनिक अभिक्रिया में, क्या बातें बताई कि रासायनिक अभिक्रिया में, अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु भाग लेते हैं। कौन भाग लेते हैं? परमाणु भाग लेते हैं। याद रखना, रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु ही भाग लेते हैं, वो ही पुनर्व्यवस्थित होते हैं क्रिया कारक से प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है ना। याद रखना ये बातें आज भी सत्य हैं कि परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि रासायनिक अभिक्रिया में कौन भाग लेते हैं, तो आप क्या बताओगे? परमाणु भाग लेते हैं। कौन भाग लेते हैं? परमाणु भाग लेते हैं। क्लियर? और बच्चों याद रखना, क्या याद रखोगे कि जो परमाणु होते हैं, परमाणु को रासायनिक अभिक्रिया में न तो बनाया जा सकता है और न ही बच्चों नष्ट किया जा सकता है। ध्यान से समझना, परमाणु को रासायनिक अभिक्रिया में, परमाणु को रासायनिक अभिक्रिया में न तो बनाया जा सकता है, न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। अर्थात परमाणु क्या होता है मेरे बच्चों? अविनाशी होता है। क्या होता है? अविनाशी होता है। ध्यान रखिएगा, परमाणु अविभाज्य के साथ साथ क्या होता है बच्चों? अविनाशी भी होता है। क्या होता है? अविनाशी भी होता है। परमाणु को रासायनिक अभिक्रिया में न तो बनाया जा सकता है, न तो सर्जन किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, ठीक है। परमाणु केवल रासायनिक अभिक्रिया में एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या होते हैं मेरे बच्चों? पुनर्व्यवस्थित होते हैं। क्या होते हैं? पुनर्व्यवस्थित होते हैं। आप ये बात अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब देखो, ध्यान से समझिएगा, जैसे मैं एक अभिक्रिया लिखता हूं, जैसे H2+O2 क्रिया करके क्या बनाते हैं? H2। अब आप यहां पर देख रहे हो, यहां पर हाइड्रोजन कितने हैं? 2। और यहां पर हाइड्रोजन कितने हैं? 2। देखो समान है, लेकिन यहां पर ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? 2। और यहां पर ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? 1। तो आप कहोगे सर एक तो नष्ट हो गया। बच्चों नष्ट नहीं हुआ, ठीक है ना, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु कम न तो बना सकते हैं नहीं नष्ट कर सकते हैं। तो पहले परमाणु 2 है तो बाद में भी 2 रहेंगे, 2 रहने के लिए मैंने यहां पर 2 लगा दिया, तो बच्चों ऑक्सीजन 2 हो गए, लेकिन हाइड्रोजन कितने हो गए? 2 × 2 = 4। तो बच्चों यहां पर हाइड्रोजन कम रह गए, 2 रह गए, यहां पर 4 हो गए, तो बन भी नहीं सकता, इसलिए यहां पर मैंने 2 लगा दिया, 2 × 2 = 4। तो बच्चों याद रखना, अभिक्रिया से पहले जितने परमाणु होंगे अभिक्रिया के बाद भी उतने ही परमाणु होंगे, इसलिए बच्चों रासायनिक अभिक्रिया को क्या किया जाता है? संतुलित किया जाता है। ये बात आपने 10th क्लास में पढ़ी होगी बच्चों। अभिक्रिया के पहले का द्रव्यमान और अभिक्रिया के बाद के परमाणुओं का द्रव्यमान समान होता है, इसे ही हम द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी कहते हैं। और देखो ये बातें सिद्ध भी हो रही है, और क्योंकि बच्चों जॉन डाल्टन ने अपने परमाणु सिद्धांत जब दिया था, तब उसका उसके अंदर मुख्य रूप से द्रव्यमान संरक्षण नियम को क्या बनाया था? आधार बनाया था। और यहां पर उन्होंने सिद्ध भी कर रहा है कि परमाणु अविभाज्य के साथ साथ अविनाशी भी होता है। तो बच्चों अविनाशी होता है, ये बात तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट है, लेकिन परमाणु क्या वर्तमान में अविभाज्य है? जबकि आपको पता है कि परमाणु मुख्य रूप से 3 मूल कणों में विभाजित होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। फिर भी हम अब नहीं कह सकते कि परमाणु क्या है? अविभाज्य। लेकिन हम बच्चों सन 1808 में की दुनिया में हैं अभी, अब निकल करके आएंगे सन 2020 में, तो ठीक है ना। तो यहां तक ये चीजें आपको अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए। तो बच्चों जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सबसे बड़ी कमी थी, तो वो कमी यही थी कि जॉन डाल्टन ने कहा था कि परमाणु क्या होता है? अविभाज्य होता है। महर्षि कनाड की नकल की थी, और आपको पता है नकल करने वाले कभी टिकते नहीं है, ठीक है ना। तो हमें नकल नहीं करनी है, समझ रहे हो ना, अच्छे से मेहनत करनी है।
ठीक है, जम करके पढ़ाई करनी है, हमें बहुत आगे बढ़ना है, अभी तो हमने शुरुआत की है, बिल्कुल नर्वस नहीं होना है। हमारे टेंथ में कितनी परसेंटेज बनी थी, कितनी नहीं बनी है, उससे कुछ नहीं, ये इलेवेंथ क्लास से अब हमारी अलग ही दुनिया स्टार्ट होगी। समझ गए ना, यहाँ पर जो बाजी मारेगा वही आगे निकलेगा। ये ट्वेल्थ क्लास ऐसी क्लास होती है कि यहाँ पर जो टेंथ में 90 बनाने वाले की 55 भी बन जाती है, और टेंथ क्लास में 55 बनाने वाले की 90 भी बन जाती है। तो बच्चों याद रखना, निराश बिल्कुल मत होना, क्योंकि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो तुम, जब तक ना सफल हो तुम, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो बच्चों हमें लगातार हमारी मेहनत को जारी रखना है, ठीक है ना, हमें एक नए सिरे से फिर से हमें अध्ययन करना है, आगे बढ़ना है, और हमें हमारे लक्ष्य की प्राप्ति करनी है। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।